गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। 7 AM पर हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट देते हैं। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे जाके विजिट कर लेना और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगा लेना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि इस निम्न में से किसमें एल प्रत्यय है। एल प्रत्यय बताना है, तो देखो बिगड़ धन एल, बिगड़ एल, बिगड़ धन एल क्या हो जाएगा, बिगड़ एल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा इसका। सेकेंड है शंख कर्पूर और चंद्रमा कमल किस शब्द के अनेकार्थ हैं। अब देखो मैंने आपको कितनी बार बताया कमल के में क्या आता है, पीछे जा आता है, तो मुझे सारे देखने की ज़रूरत ही नहीं। अब देखो जा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इन सब के कौन से हो जाएंगे अनेकार्थी, अब जो हो जाएगा। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होता है, अविकारी होते हैं अव्यय, अव्यकारी क्या कहते हैं, अव्यय। ठीक है, और संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ये विकारी होते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिससे कि लिंग और जैसे बहुवचन बनाने पे उनके कोई फर्क न पड़े। जैसे मैंने कहा ना कि राम जाता है, और मैंने कहा कि बच्चे जाते हैं, बच्चा जाता है, बच्चे जाते हैं, बच्चा का क्या हो गया, बच्चे। राम क्या क्या हो जाएगा, लड़की जाती है, राम की जगह लड़की भी कर सकता हूँ ना। मगर जिस शब्द को हम ना बदल सकें, जिसका हम रूप लिंग चेंज ना कर सकें, वहाँ पे क्या होता है, अव्यय होता है। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं, अव्यय, जिनका कि ना लिंग परिवर्तन और ना बहुवचन इनका बनता नहीं है। ठीक है, ये परिवर्तित नहीं होते, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। देखो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब काम खत्म हो गया, तो पूर्ण वर्तमान। लड़के ने, लड़का पुस्तक पढ़ता है ऐसे होता है, तो सामान्य हो जाता। संदिग्ध कब होगा, संदिग्ध होगा लड़के ने पुस्तक पढ़ी होगी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी होगी। और संभाव्य कब होगा, लड़का पुस्तक पढ़ रहा होगा। देखो एक चीज़ रहा होगा, रही होगी, ये तो इसमें आएगा। ठीक है, होगा होगी इसमें आता है, होगा होगी। ठीक है, इसमें रहा और जोड़ देते हैं संभाव्य में। ठीक है, ऐसे अंतर कर लेना संदिग्ध और संभाव्य में, बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। इसमें से भाववाच्य का उदाहरण बताना है, तो देखो भाववाच्य में क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी, पहले तो ये याद रखो अकर्मक होगी। ठीक है, अब मोहिन मोहिनी पत लिखती है, क्या लिखती है, पत लिखती है, सकर्मक होगी, ये काट दो। रवि आम, रवि चूसता है, क्या चूसता है, आम चूसता है, हटा दो। ठीक है, अब शीला से खाया नहीं जाता, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना ऐसा जो खाया नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो ये भी। अब चला जाए, तो इसमें ये क्या हो जाएगी, भाववाच्य हो जाएगी। तीन तरीके के होते हैं वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब इसमें बताना है मिश्र वाक्य का उदाहरण। मेरा तो जैसे ही मैं मिश्र पढ़ लेता हूँ ना कि मिश्र वाक्य पूछा है, तो मिश्र देखते ही मेरे को दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि, जो सो, ज्यों त्यों, ये तीन चार वर्ड तुरंत क्लिक करते हैं। तो इसमें ये लिखना है कि, तो यही मेरा सही हो जाए, तुरंत आगे बढ़ जाऊँ। अगर इसमें देखो और लिख रहा है, ये कौन सा हो जाए, संयुक्त तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संयुक्त। और एवं किंतु परंतु इसलिए वरना ही बताया ना, संयुक्त में होते हैं। और सिंपल में क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही वर्तनी बतानी है। देखो ये वाला सही वर्तनी, मैंने कई बार आपको बताया ना श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे रा लगा देते हैं इसमें पदेन रूप रा, मगर वो गलत होता है। ठीक है, तो ये वाला इसमें सही है। अब देखो मातृभूमि होता है, मातृभूमि होता है, इस तरीके से बनता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब नति होता है, आधा ना नहीं आएगा, अब नति होगा केवल। ठीक है, तो ऐसे इसे भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनवीक्षण, अनुधन ईक्षण होता है इसका, क्या होता है, अनुधन ईक्षण, अनवीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है रीत अनुसार, रीति धन अनुसार, रीत्यानुसार, रीत धन अनुसार, रीत्यानुसार, तो ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है नेताजी ने कहा था तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आ जा दूँ, इसमें देखो इस तरीके से कोमा ऊपर लग रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, ये उद्धरण चिन्ह होते हैं। पूर्ण विराम पूरा डंडे की तरह होता है, अल्प विराम ऐसे लगा होता है, प्रश्नवाचक तो आपको पता ही है इस तरीके से लगा होता है। पूर्ण विराम हमने इंग्लिश से नहीं लिया है, केवल हिंदी का है। ठीक है, हिंदी का विराम चिन्ह। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया, तो 343 से, तो भाषा से संबंध में ना 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक लिखा हुआ है। इसमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं आती, तो इसमें से राजस्थानी नहीं आती, और एक और कौन सी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22। ठीक है, ये याद रखें, वो भाषा हमारी किस में, भाग 17 में दे रखा है भाषा के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रोग को आरंभ में काबू न किया गया तो यह, अगर शुरुआत में अगर किसी चीज़ को हम काबू नहीं करते ना तो संक्रामक हो जाती है, क्या हो जाती है, संक्रामक। निम्न में से सर्वनाम बताना है, तो इस सर्वनाम हो जाएगा आप। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, सर्वनाम 11 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दंत ध्वनि बतानी है, तथा दद न, ताबर किस में आता है, दंत में आता है, और उसमें दो और जोड़ लो, ला और सा, इतने ये 5 और तो 7 हो जाते हैं, ये किस में आएगा, दंत में। खा किस में आएगा, कंठ में। चा किस में आएगा, तालू में। पा किस में, फा किस में आएगा, ये प फ बोलो, बोल के देखोगे तो ओष्ठ में आएगा, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन बताना है, तो ला, ला बोल के देखोगे ला, तो आस पास से हवा निकल जाती है साइड से, और रा क्या होता है, रा लुंठित या प्रकंपित होता है, ठीक है। और वा क्या होता है, ये अर्धस्वर होता है, ठीक है। और ये शा क्या होता है, ये मूर्धन्य होता है। नेक्स्ट है दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है, प्रथम पूछ ले या तृतीय पूछ ले, प्रथम और तृतीय में ना कितनी होती है, 13-13 होती हैं, क्योंकि अर्धसममात्रिक है, अर्धसममात्रिक छंद होता है, और छंद शास के पिता कौन है, पिंगल। और ये पूछा जाता है दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है, क्या होता है, सोरठा। मुदित मनोहर मानस देगा, देखो इसमें माँ 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 आ रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाए, अनुप्रास अलंकार। अब यमक किसमें होता है, जहाँ शब्द दो से अधिक बार, दो या दो से, दो बार आए या दो से अधिक बार आए, हर बार अलग अलग अर्थ थे। उपमा किसमें आएगा, सासी से सरिसम जैसा, जैसे ऐसे शब्द आएंगे इनके बीच में, सासी से, ठीक है। रूपक में क्या आएगा, चंद्र खिलौना, ये किसका एग्जाम्पल, रूपक का, खिलौना क्या है, चंद्र है। चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें बताना है कौन सा कारक है। देखो कल मैंने ना आपको संप्रदान कारक को मैंने क्या बता दिया, अपादान बता दिया, संप्रदान के साथ मैंने से लिख दिया था, मगर ये संप्रदान के साथ नहीं होता, ये होता है अपादान के साथ, तो इसे आप करेक्ट कर लेना थोड़ा। और संप्रदान का क्या होता है, के लिए होता है, संप्रदान की विभक्ति, ये कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कल मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में आपको बता दिया था, तो इसे आप सही कर लेंगे। तो चूहा बिल से बाहर निकला, कहाँ हो रहा है, से किस में आता है, अपादान और करण में, ठीक है। अपादान में क्या हो रहा है, अलग होने का होता है, तो यहाँ क्या हो रहा है, बिल से अलग हो रहा है ना, तो अपादान हो जाएगा, ठीक है। चूहा बाहर से अंदर गया, बाहर से बिल में गया, ऐसे आ जाता तो उसमें करण हो जाता, जैसे अगर मिल रहा होता दोनों चीज़ तो करण हो जाता। पेड़ से बंदर कूदा या पेड़ से पत्ता गिरा, तो अलग हो रहा है ना इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, ठीक है। कर्म का क्या होता है, कर्म को होता है कारक चिन्ह, ठीक है। करण का क्या होता है, से होता है। ज़्यादातर ना पेपर में आपको करण और अपादान में ऐसे ही पूछता है, क्योंकि इसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं, और कोई सा नहीं देता। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की किस वर्ग में आता है, आप देखो ऐसे देखो, बुद्धिहीन, अब ऐसे किसी शब्द के साथ प्रयोग करो, राम बुद्धिहीन है, तो राम की विशेषता क्या है, कि वो है बुद्धिहीन, तो विशेषता कोई शब्द बताता है तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण, क्या कहते हैं, विशेषण है, विशेषण हो जाएगा। क्रिया क्या होती है, जिस शब्द के पीछे ना लग जाए, बुद्धिहीन ना कभी सुना है, नहीं सुना होगा, तो ये नहीं हो सकता। सर्वनाम तो आपको खुद ही पता होगा, जो संज्ञा की जगह पे उपयोग होते हैं, जैसे राम जाता है, और मैंने कहा राम जाता है, राम आता है, राम, तो मैं इसे कैसे बोलूँगा, शुद्ध होगा, राम जाता है वह आता है, हर बार हम मतलब ये नहीं कह सकते कि संज्ञा को उपयोग करें, एक बार संज्ञा, फिर उसके बाद संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। छत से ईंट गिरी, छत से ईंट क्या हो रही है, अलग हो रही ना, अलग होने के लिए भी आपका क्या आएगा, अपादान आएगा। इसमें से पुल्लिंग शब्द बताना है, तो देखो रात हो गई, रात अच्छी है, और बात की जा रही है, और जैसे गीत गाया जा रहा है, गीत गाई जा रही है नहीं बोलते कभी, क्या बोलते हैं, गीत गाया जा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, व्याकरण जो होता है ना, हम लोग बोल देते हैं अपने व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं व्याकरण अच्छी है, मगर व्याकरण क्या होता है, अच्छा होता है, व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, व्याकरण पढ़ाई नहीं जाती, पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, ये थोड़ा सा ना लोगों को बहुत कन्फ्यूज करता है, आजकल बहुत पूछा जा रहा है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें क्या बताना है, भाववाचक संज्ञा बताना है। तो देखो ये क्या है, राम व्यक्तिवाचक, सुरेश व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो इसमें मित्र, मित्र से क्या बनाए, मित्रता, मित्र शब्द से क्या बनाए, मित्रता बनाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाववाचक, मित्रता हो जाएगा। मेरा घर इसी शहर में है, अब देखो एक चीज़ आप लोगों को बड़ा कंफ्यूज करेगी,
कि मेरा मेरी तो सर उसमें आता है सर्वनाम में, तो यहाँ पे ये अलग क्यों हो रहा है? तो मैं उसे बता दूँ, कभी भी सर्वनाम के बाद कभी भी संज्ञा नहीं होती। सर्वनाम के जस्ट अगली बार ना संज्ञा नहीं होती, जबकि संज्ञा से पहले क्या होता है? आपका विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। अब ये क्या है? घर। घर की विशेषता क्या बता रहा है? मेरा। तो ये क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है ये? अगर कभी आए ना, ये सार्वनामिक विशेषण होता है, इसे याद रखें। संज्ञा से पहले अगर, और ये वाक्य में ना सबसे पहले दे रखा होगा, ये भी बता दूँ आपको, हमेशा इस तरीके से सार्वनामिक विशेषण होगा ना, तो सबसे पहले शब्द स्टार्टिंग में ही होगा और उसके बाद संज्ञा दे रखी होगी। और ये ज़्यादातर यह, ये, मेरा, ये तीन शब्द आते हैं इसके साथ। ये ऐसे याद रख लो, संज्ञा की जो विशेषता बताए और सबसे पहले आए वो सार्वनामिक विशेषण होगा। और ये चार तरीके के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, प्रमाण बोधक। चार तरीके के विशेषण होते हैं। कर्म का चिन्ह बताना है, कर्ता ने कर्म को क्या हो जाता है? ये। और ये ने किसका होता है? कर्ता का। कर्ता का क्या होता है? ने। बाजार में संज्ञा का बोध बताना है। बाजार में क्या होता है? बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो पहले क्या है? समूह है। पहले मैं भी कंफ्यूज होता था बाजार और कुछ होगा, मगर फिर मैंने कई बार पढ़ा ना, तो जब मुझे भी पता पड़ा कि समूहवाचक में ही आता है बाजार। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा गुणवाचक का विशेषण नहीं है? गुणवाचक, देखो अधिक कम, ये गुणवाचक गुण थोड़ी ना होता है। अधिक तो परिमाण हो गया। क्या हो गया? परिमाण हो गया कि मुझे अधिक दो, परिमाण में आएगा अधिक। और ये विशेषण मैंने बताया ऊपर, गुण, परिमाण, संख्या और सार्वनाम में। नेक्स्ट है आपका, अब देखो इसमें ना बहुत सारे गलत आंसर दे रखे हैं किताब में। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा संदर्भ के संबंध में कौन सा सही है? तो अब इसने क्या दे रखा है आंसर? इसने दे रखा है इसका डी, जबकि डी नहीं होगा, इसमें होगा बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश के में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर लेते, ये होगा। जैसे कि अगर कोई बोलता है ना मैं जा रहा हूँ, और लड़की बोले कि मैं जा रहा हूँ, तो वो अगर हम बार बार देखेगी ना कि हर लोग के, लड़कियों के लिए हम क्या करते हैं? स्त्रीलिंग, और लड़कों के लिए पुल्लिंग, तो अपने आप ही वो सुधार कर लेते हैं। और खुद से बच्चे ना जब अर्जन करते हैं भाषा का, तो ऑटोमेटिकली भाषा उनकी इम्प्रूव हो जाती है। तो क्या होगा इसमें? बच्चे समृद्ध भाषा के सहज रूप से सुधार कर लेते हैं। मैंने बहुत बार पढ़ा ये क्वेश्चन, तो आखिरी में मेरे को यही आंसर मिला है इसका, ये वाला आंसर नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा? इसका रीज़न बता दूं, विद्यालय में ही, जहां लग जाए ना ही, मतलब और कहीं अर्जित नहीं कर सकते। घर पर भी तो अर्जन हो सकता है चीज़ों का, मगर इसमें क्या कह रहा है? विद्यालय में ही अर्जित करेगा, तो ये गलत है, इसलिए हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों से आए भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, मतलब अलग अलग वैरायटी के जो लैंग्वेज है वो बोलने वाले आपके बच्चे आए, तो इसमें क्या होगा? अब देखो इसे, देखो इसमें आंसर दे रखा है, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती, मगर मैंने जो हर बार पढ़ाया, हर बार जो आंसर सही माना जा रहा है ना, वो क्या होता है? अनमोल संसाधन है। आपके में अगर विविधता है ना क्लास में, डाइवर्सिटी है, या अलग अलग तरीके की भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो वो आपके में क्या होगा? संसाधन होगी, कभी भी चुनौती नहीं होगी और ना ही समस्या होगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर पड़ोस की भाषा कैसी होनी चाहिए? समरूप होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समरूप होनी चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं, चलो फिर आप लोग कन्फ्यूज मत हो, इस वाले 37 वाले क्वेश्चन के आंसर को ना होल्ड करके चलना, और मैं सर्च करूंगा, क्योंकि 36 तो बिल्कुल कंफर्म है। ये दो क्वेश्चन ना हर बार कंफ्यूज करते हैं लोगों, इसको होल्ड करके चलना, इसका आंसर और मैं देख के बताऊंगा, आप लोग भी सर्च करना। देखो हम इसमें ना समरूपता होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, थोड़ा सा भाषा का, घर की भाषा का और स्कूल की भाषा का ना रूप समान होना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि हम लोग इंग्लिश क्यों सीखने में दिक्कत करते हैं, घर पर इंग्लिश नहीं बोली जाती। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए क्या जरूरी है? तो इसमें जो जरूरी है वो हो जाएगा विविध, बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। देखो मैंने कहा था ना बच्चों को समावेशी वातावरण का निर्माण, अब देखो ऊपर क्या कह रहा था कि ये तो जटिलता है, जबकि जटिलता नहीं ना, ये तो क्या है? अनमोल है, ये तो अच्छा है क्लास के लिए, तो इसलिए भी गलत हो सकता है ऊपर वाला, मगर फिर भी आप लोग सर्च करना उसे, ठीक है। 37 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध किससे होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर ना हम क्या करते हैं कि व्याकरण के व्यवस्था को जानने लगते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर ही कह रहा है 6 to 8, अगर ये प्राइमरी की कहता है ना, तो प्राइमरी पे हम व्याकरण पे उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं, भाषा केवल पता है संप्रेषण नहीं है, भाषा से ना हमारी सोच निर्मित होती है, सृजनात्मकता आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। बच्चे के भाषा समाज के संदर्भ में
का ही परिणाम है। देखो ये जो समाज के साथ संपर्क, समाज की बात हमेशा किसने की? वाइगोत्स्की ने की। वाइगोत्स्की ने दो चीज़ें और दी, ZPD दी है और क्या दिया है वाइगोत्स्की ने, आपका दिया है इसके फोल्डिंग, ठीक है। और वाइगोत्स्की कहाँ के थे? रसिया के थे, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को याद रखें। मैक्सिमम अगर वाइगोत्स्की के क्वेश्चन है तो आप सीधे लिखेंगे समाज को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे शब्दों में कि समाज कहाँ पे लिख रहा है वाइगोत्स्की के साथ। और एक चीज़ बहुत पूछी जाती है कि वाइगोत्स्की ने कहा था पहले भाषा आती है फिर चिंतन आता है, ठीक है। और प्याजे कहता है कि पहले चिंतन आता है फिर भाषा आती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना, दो कॉन्सेप्ट हैं, ये वाला तो वाइगोत्स्की का, ये प्याजे का नीचे वाला, ठीक है। इतना सही है बस इसके बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में, क्योंकि छोटी उम्र में मर गए थे, 35 साल में मर गए थे, इसलिए ज़्यादा लिख नहीं पाए और काम भी ज़्यादा नहीं कर पाए, ठीक है। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? भाषा जब अर्जित करते हैं ना, भाषा के नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। भाषा देखो दो चीज़ होती है, एक तो अर्जित, एक अधिगम। अधिगम हम ना सेकेंड लैंग्वेज का करते हैं, किसका करते हैं? सेकेंड लैंग्वेज का करते हैं। अर्जन किसका करते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज का करते हैं। जो आपकी मातृभाषा होती है ना उसे आप अर्जित करते हो, और अधिगम किसका करता है? सेकंड लैंग्वेज। जैसे आप अगर संस्कृत सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, तो ये आपकी मातृभाषा नहीं है, तो इसका क्या करोगे? आप अधिगम करोगे, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है? उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या अपेक्षित नहीं है लिख रहा है। देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्या नहीं है? तो इसमें क्या होता है? सुनकर शब्द सह दोहराने की क्षमता का विकास ये नहीं है, क्योंकि ये किस पे होता है? ये प्राइमरी लेवल पे होता है आपका। और ये किसकी बात कर रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर, मतलब कि 6 से 8 के बच्चे की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर किसी भी भाषा पे ना आप अधिकार, मतलब होता है कि उस पर पकड़ बनाना चाह रहे हो, अगर आपको किसी भाषा पर पकड़ बनानी है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य की प्रयोग करना, अधिक से अधिक क्या करना? प्रयोग करना। कहते हैं ना कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हो डेली लाइफ में, तो इसलिए आपको इंग्लिश नहीं आ पाती। अगर आप डेली लाइफ में यूज़ कर लोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों में प्रयोग करोगे, तो आपकी उस भाषा पे क्या हो जाएगी? पकड़ हो जाएगी। या कोई भी भाषा हो, हिंदी, उर्दू, बंगाली, कोई भी हो, उसको आप डेली भाषा में यूज़ करो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बनाओ, अपने आप आ जाती है। इसी को हम ये भी तो कहते हैं, एक डायरेक्ट मेथड भी चलता है, उसमें क्या करते हैं? सीधे हम सेंटेंस मतलब बोलना सिखाते हैं, ठीक है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? जो भाषा की कक्षा है ना उसमें कहानी सुना रहा है। अब इसमें देखो ये नहीं दे रखा है था प्राइमरी या जूनियर, तो अब आप ये तो खुद ही जानते हो, अगर आप प्राइमरी का सॉल्व कर रहे हो पेपर तो प्राइमरी होगा, जूनियर का कर रहे हो जूनियर होगा। तो आप देख लेना आप किस शिफ्ट में पेपर दे रहे हो, पहली शिफ्ट में ज़्यादातर प्राइमरी का पेपर होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी के बारे में पूछ रहा है ज़्यादातर, तो इसमें क्या करते हैं? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। हम कहेंगे कि सूरज है, चंद्रमा है, और मतलब चक्कर लगा रहे हैं, तो वो क्या है? कल्पना करेंगे कि कैसे सूरज मतलब चक्कर लगा रहा होगा, या कैसे सूरज जो है स्थिर होगा एक जगह, और उसकी चंद्रमा मतलब पृथ्वी के चक्कर लगा रहा हो, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही, इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। या महाराणा प्रताप और अकबर की कहानियाँ सुना रहे होंगे हम, तो वो कहेंगे कैसे ऐसे लड़ाई हुई, इतने सारे लोग थे, तो वो कल्पना करने लगते हैं इस चीज़ में। भाषा क्या होती है? भाषा होती है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। भाषा से ना आपकी जीवन की अलग अलग स्थितियों में आप भाषा का प्रयोग करके बहुत सारी चीज़ों को साधते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह निश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणिक लेख और समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम रखते हैं, क्षमता रखते हैं। सुलेखा जब जब बच्चों के साथ बातचीत करती है, देखो अगर कोई टीचर बातचीत कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं टाइम वेस्ट कर रहा है, वो भाषा को अर्जन करने का परिवेश दे रहा है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, आप ना आपको अगर सीटेट क्लियर करना है, सीटेट क्लियर करने का मूल मंत्र है कि बच्चे की तरह सोचो, और थोड़ा ना पॉजिटिव लेके सोचो, नेगेटिविटी के साथ मत सोचो। जितना पॉजिटिवली सोचोगे उतने जल्दी आंसर निकल आएंगे। सुमन बच्चों बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, मतलब एक सुमन नाम की लड़की है, वो गुजराती बोल तो समझ बोल लेती है, समझ लेती है, मगर वो विद्यालय कभी नहीं गई। अगर कोई बच्चा, पहले के ज़माने में क्या होता था, विद्यालय चलते थे? नहीं चलते थे, हर किसी के लिए विद्यालय नहीं था ना, मगर फिर भी हम बोल लेते थे, समझ लेते। इसका मतलब क्या था? हमारे जो आसपास का परिवेश था ना, उसमें भाषा अर्जन करते हैं, क्या करते हैं? अर्जन करते हैं। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता, देखो शिक्षक ना हमेशा आदर्श रूप से प्रस्तुत करता है, आदर्श होता है शिक्षक विद्यार्थियों के लिए, तो ये सही हो जाएगा। भाषा अर्जन और अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? मैंने कहा ना भाषा अर्जन क्या होता है, देखो अगर भाषा अर्जन पहली भाषा का करते हैं, अधिगम दूसरी भाषा करते हैं, मगर जरूरी नहीं ना आपकी पहली भाषा कौन सी हो। अगर आपकी पहली भाषा ही इंग्लिश है, मतलब या पहली भाषा जो आपके मम्मी पापा बोलते हो इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश सीख जाओगे, हिंदी नहीं सीख पाओगे। तो ये क्या है, सब
भाषिक परिवेश की उपलब्धता है कि आप किस भाषा परिवेश में रह रहे हैं। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा हो तो वो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसी के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।